आप देख रहे हैं बालाघाट खबर। लामता वन बाश में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ को अचेत हालत में वन सुरक्षा श्रमिकों ने पाया। यह अचेत अवस्था किस कारण से हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल वन अधिकारियों ने कान्हा की रेस्क्यू टीम को जानकारी दे दी गई है। टीम आने के बाद ही इलाज किया जाएगा। जानकारी अनुसार उत्तर उत्पादन वन मंडल बालाघाट के लामता औद्योगिक बास लामता में 22 जनवरी को लगभग 4 बजे डिपो में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों ने अचेत हालत में तेंदुआ को देखकर अपने अधिकारियों को सूचना दिया है, जिस पर औद्योगिक डिपो में पदस्थ वन रक्षक अफजल अली द्वारा वन परिच्छेद अधिकारी को सूचना दिया गया। सूचना पाते ही सहायक परिच्छेद अधिकारी पटवार द्वारा अपनी टीम को लेकर बाशगार में पहुंचकर अचेत हालत में तेंदुआ को देखने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कान्हा की रेस्क्यू टीम द्वारा अचेत हालत में इलाज किया जाएगा। फिलहाल अभी तेंदुआ को बाशगार में ही रखा गया है।